हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि 2019 से पहले जो पेपर पैटर्न आते थे उनमें देखिए जो सिलेबस था वो डिफरेंट था। उसमें जो सेकेंड सेमेस्टर था उसमें डिफरेंशिएशन भी आती थी, इंटीग्रेशन भी आती थी, स्टैटिस्टिक भी आती थी, और वहाँ पर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चार चीज़ आती थी। पर अब जो आपका सिलेबस है उसमें इंटीग्रेशन आ रही है सेकंड सेमेस्टर में, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, उसमें स्टैटिस्टिक आ रही है, उसमें देखिए आपके कॉनिक सेक्शन भी आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। और 2019 के बाद से देखिए सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप लोगों का फर्स्ट बैच होगा जो कि एग्ज़ाम देगा सेकेंड सेमेस्टर का। क्योंकि स्टूडेंट देखिए 2 साल से देखिए इस पीरियड में कोविड बढ़ा हुआ है, इसलिए देखिए 2 साल में यहाँ पर कोई भी पेपर नहीं हुआ है। तो इसलिए स्टूडेंट हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन के, कॉनिक सेक्शन के, डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो 2 मार्क्स में आए हुए हैं उनसे हमने आपके लिए यहाँ पर एक पेपर बनाया है स्टूडेंट खुद से। तो स्टूडेंट ये पेपर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न आएगा उसी तरीके से हमने पेपर सेट किया है, जिसमें सेक्शन ए होगा जिसमें आपके 2 मार्क के 10 क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट देखिए 2 × 10 यानी आपको 12 क्वेश्चन में से 10 करने होंगे जो आपके हो जाते हैं 20 मार्क्स। तो सेक्शन ए आज हम इस वीडियो में पहले सॉल्व करेंगे जो आपके 20 मार्क के एग्ज़ाम में आते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए जो पहला आपके सामने देखिए जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहे हैं कि आपको क्या बतानी है, डिग्री भी बतानी है और ऑर्डर भी बतानी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ऑर्डर देखिए, ऑर्डर का अर्थ है जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर डेरिवेटिव है। देखिए dy/dx ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। d²y/dx² ये क्या है आपका, ये आपका है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकंड। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर कितना है यहाँ पर, 2 है। और मैक्सिमम ऑर्डर की जो डिग्री होती है उसे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। तो यानी डिग्री यहाँ पर आएगी स्टूडेंट देखिए, डिग्री यहाँ पर आएगी 3। डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3। ये पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं इसकी। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 3/2। तो स्टूडेंट गामा फंक्शन भी मैंने आपको कराया हुआ है, गामा 3/2 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर देखिए रफ में यहाँ पर इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए गामा 3/2 है, गामा 3/2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट, गामा गामा इस तरीके से ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। गामा आप इसको लिख सकते हैं 1/2 + 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी आप एक प्रॉपर्टी लगाते हैं कि जहाँ पर गामा n प्लस वन होता है तो ये गामा n प्लस वन किसके बराबर होता है, n गामा n के। तो n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर है 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, गामा 1/2 की वैल्यू होती है स्टूडेंट यहाँ पर √π। क्या होती है, √π। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 1/2 √π, यह आपका आंसर होगा स्टूडेंट। ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, गामा फंक्शन भी मैं आपको करा चुका हूँ, ये वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं डिटेल में, जितने भी क्वेश्चन गामा फंक्शन से रिलेटेड आते हैं वो मैं आपको सभी क्वेश्चन जो है करा चुका हूँ। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया है सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला, ये सिम्पसन 1/3 रूल भी स्टूडेंट मैं आपको करा चुका हूँ, इसका क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 2 मार्क में इसका फॉर्मूला भी स्टूडेंट पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेशन a·b(f(x)dx = h/3 फिर ब्रैकेट सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, जो सम आपके एक्सट्रीम ऑर्डिनेट यानी जो सम होते हैं एक्सट्रीम ऑर्डिनेट के, यानी फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होती है आपकी ऑर्डिनेट की, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट प्लस 4 × सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, तो एस ऑड लिख रहा हूँ, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट प्लस 2 × सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, ये आपका हो गया
सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला। स्टूडेंट ये मैं आपको करा चुका हूँ और मैंने आपको बताया भी था स्टूडेंट, जब मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनेशन में 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है, ये आपके इंटीग्रेशन का डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरीके की जो आइडेंटिटी थी ये भी स्टूडेंट मैं आपको बता चुका था कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आपका आएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट आप देखिए log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा फॉर्मूला होगा, ये क्या होगा स्टूडेंट आपका फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिए ये आपका क्या होगा स्टूडेंट फॉर्मूला होगा। अब स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन हो गया, अब आपको यहाँ पर लिखना है राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ कोफिशियंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, यानी रैंक कोरिलेशन का यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए रैंक कोरिलेशन को आप R से यहाँ पर डिनोट करते हैं, यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आपको लिखना है ना कि कार्ल पियर्सन का। तो यहाँ पर देखिए कोफिशियंट ऑफ रैंक कोरिलेशन स्टूडेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको मैंने इसका क्वेश्चन भी कराया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है आपके कोफिशियंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का, ये फॉर्मूला होता है आपका कोफिशियंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है ये देखिए, इफ़ मीन स्टूडेंट ये देखिए क्वेश्चन है इफ़ मीन बराबर 12 मीडियन बराबर 16 तो मोड क्या होगा। तो आपको देखिए इनके बीच में रिलेशन पता है कि यहाँ पर देखिए क्या होता है 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन ये फॉर्मूला होता है। तो मीडियन आपको दिया हुआ है क्या 3 × 16.5 बराबर मोड प्लस 2 × 12। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं मोड की वैल्यू आप यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका आंसर आप जो है वो कमेंट सेक्शन में देंगे स्टूडेंट, क्या कैलकुलेशन है इतनी ईजी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। फाइंड आउट स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3-2 and -1 4, आपको इसका स्लोप बताना है 3-2 and -1 और 4 का, आपको क्या बताना है फाइंड आउट स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप बताना है आपको लाइन का। तो स्टूडेंट ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके क्वेश्चन या आपके लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि लाइन और कोनिक सेक्शन भी आपके सिलेबस में है तो यहाँ से भी आपको स्टूडेंट क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में आएंगे। तो देखिए जो स्लोप होता है अगर आपको किसी भी दो एक लाइन है इसके आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं 3-2 और -1 और 4, ये दो कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं आपको m, यानी यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है आपको स्लोप निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो आप स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो फार्मूला होता है स्लोप का y2 - y1 = x2 - x1, ये फार्मूला है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए y2 क्या हुआ 4 हुआ और यहाँ पर ये x2 हुआ, ये आपका x1 हुआ, ये आपका y1 हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए m क्या आएगा आपका, m आएगा आपका y2 क्या है 4 - -2 तो 4 + 2 हो जाएगा अपॉन में x2 is -1 और -3 तो यह आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 - -4 तो आंसर आ जाएगा आपका -3/2। तो आपका कितना आएगा m जो है m आ जाएगा आपका -3/2, ये ध्यान रखिएगा m आ जाएगा -3/2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है एक सर्कल है, आपको एक सर्कल दिया है इसके सेंटर आपको दिया है -3 और 2, ये h होता है ये k होता है और यहाँ पर आपको रेडियस दी है 4। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको इस एक पॉइंट है p, तो आपको इस इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है। तो इसके कोऑर्डिनेट मानिए इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x और y हैं। तो यहाँ पर क्या होता है x माइनस, स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका जो इक्वेशन होती है अगर आपको सेंटर के यहाँ पर कोऑर्डिनेट पता है तो और रेडियस पता है तो आप स्टूडेंट किस तरीके से निकालेंगे,
तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब x यहाँ पर क्या है, देखिए x है तो x ही है, माइनस एच तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि h क्या है, h इज इक्वल टू माइनस थ्री और k इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये x प्लस थ्री हो जाएगा प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सोलह। तो ये इक्वेशन जो है यही आपकी आंसर है, यही सेंटर होता है किसका, ये सेंटर आपको दिया है, रेडियस दिया है, तो आप इक्वेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक और यहाँ पर क्वेश्चन है जहाँ पर आपको हाइपरबोला की इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। आपको स्टूडेंट यहाँ पर बताना है कि जो लैटस रेक्टम होती है, यानी इसको हिंदी में आप बोलते हैं नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा आप इसे हिंदी में बोलते हैं, जो नाभिलंब जीवा होती है स्टूडेंट, इसकी आपको लेंथ का फॉर्मूला सीधा पूछा गया है, तो टू बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये फार्मूला होता है टू बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये फार्मूला होता है। स्टूडेंट अगर आपको यहाँ पर बी की जगह कुछ वैल्यू दी होती, ए की जगह कुछ वैल्यू दी होती, तो अब आप फार्मूला आपको पता है, अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू भी दी होती जैसे माने थ्री का स्क्वायर है या यहाँ पर कुछ फोर का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर बी की जगह फोर रखते और ए की जगह थ्री रखते और फिर आप यहाँ पर लेंथ निकालते लैटस रेक्टम की या हाइपरबोला के केस में। ऐसे ही जो है यही इक्वेशन जो होती है लैटस रेक्टम की एलिप्स के केस में भी होती है। तो ध्यान रखिएगा ये नौ क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए। आप देखिए जो स्टूडेंट अब यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल से, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से आपका यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो यहाँ पर पूछा गया है कि नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, आपको कंडीशन बतानी है स्टूडेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर इक्वेशन आपके पास है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर आपको कंडीशन बतानी है। तो स्टूडेंट कंडीशन क्या होती है, डो एम अपॉन में स्टूडेंट, डो एम अपॉन में स्टूडेंट आप देखेंगे डो वाई इज इक्वल टू, अगर डो एन अपॉन में डो एक्स है तो ये आपकी देखिए स्टूडेंट ये नेसेसरी कंडीशन है। आप तभी किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं जब डो एम यानी जो एम है इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और जब एन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपकी कंडीशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने की। अब देखिए स्टूडेंट इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स यानी यहाँ पर सीधा आपसे क्या पूछ लिया है, फॉर्मूला पूछ लिया है प्रोडक्ट रूल का। तो इस प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू यानी u पहले आएगा फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ u, ये होगा माइनस नहीं नहीं यहाँ पर आप देखिए t बाय डी एक्स ऑफ u, फिर यहाँ पर आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स फिर डी एक्स, ये फार्मूला होता है आपके प्रोडक्ट रूल का, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट आपके प्रोडक्ट रूल का। अब एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, आपको इंटीग्रेशन बताना है लॉग एक्स डी एक्स का। तो स्टूडेंट ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर इस पेज में ये मैंने आपको कराया भी हुआ है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, लॉग एक्स को यू मानेंगे और वी जो होगा वो आपका होगा वन, इस तरीके से करेंगे इंटीग्रेशन लॉग एक्स इंटू वन डी एक्स। तो यहाँ पर आप आइलेट रूल जो लगाते हैं, आइलेट रूल जो आप लगाते हैं स्टूडेंट कि पहला फंक्शन आप किसे लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन और वन जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। फिर आप यहाँ पर क्या लगाएंगे स्टूडेंट, आप ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ये फार्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे और तब आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो u आपका हो गया log x, तो ये log x इसी तरीके से रहेगा log x u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d बाय डी एक्स ऑफ log x, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स और फिर डी एक्स यही आएगा। तो लॉग एक्स रहेगा वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है वन बाय एक्स, तो इंटीग्रेशन ये आपका हो जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू एक्स
डी एक्स। अब देखिए एक्स लॉग एक्स इसे लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ये स्टूडेंट आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका ये आ गया, ये स्टूडेंट आंसर है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने जो सेक्शन ए है, जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपके देखिए 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन में आपको कोई 10 क्वेश्चन करने होंगे पेपर में जो आपको ईजी लगते हैं या जो आपको आते हैं, वो 10 क्वेश्चन आप ईजिली कर सकते हैं, दो आप स्किप कर सकते हैं, पर मैंने आपको 12 के 12 क्वेश्चन कराए। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें। इसका सेक्शन बी, इसका स्टूडेंट देखिए जो सेक्शन बी है वो जल्दी हम आपके लिए अपलोड करने वाले हैं चैनल पर, इसी तरीके से आप बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें स्टूडेंट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टूडेंट, इसमें हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके इंटीग्रेशन, कॉनिक सेक्शन, आपका स्टैटिस्टिक, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है। क्योंकि स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ आपका पहला बैच है जो यहाँ पर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम यहाँ पर देंगे, क्यों? क्योंकि पिछले बार भी कोविड हो गया था तो उन स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हुए थे, इससे पिछली बार भी कोविड हो गया था तो उन स्टूडेंट ने भी एग्ज़ाम नहीं दिए थे। तो अभी ये देखिए कोविड काल ही यहाँ पर चल रहा है, इसलिए स्टूडेंट ने यहाँ पर अभी एग्ज़ाम नहीं दिए, पर आप एग्ज़ाम देंगे इसलिए हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करेंगे स्टूडेंट। और सेक्शन बी का आप जल्दी से जल्दी आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो त्रिशक्ति अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।